आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। महोबा में बड़ी कोरोना की रफ्तार, इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम के बदलने के साथ कोरोना में इजाफा हुआ है, फिर मिले 3 नए कोरोना पॉजिटिव, मरीजों की संख्या हुई है 7। स्वास्थ्य विभाग की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू हुई, महोबा में बड़ी है कोरोना की रफ्तार, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम बदलने के साथ कोरोना में बढ़ोतरी हुई है, जहां फिर मिले हैं 3 नए कोरोना पॉजिटिव, कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जहां संख्या हो गई है 7। स्वास्थ्य विभाग की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू की गई, महोबा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जहां मौसम बदलने के चलते कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 7 हुई है। स्वास्थ्य विभाग की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू की गई, कोरोना वायरस से संक्रमित 3 साल की बच्ची, जहां बच्ची की लखनऊ में इलाज के दौरान हुई है मौत, जनपद में कोरोना संक्रमित 24 नए केस, जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई है 59, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जहां 3,500 प्रमुख संस्थानों पर द्वारा कोरोना के मरीज पाए गए हैं, कोरोना वायरस से संक्रमित 3 साल की बच्ची की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हुई है, जनपद में कोरोना संक्रमित 24 नए केसेस देखे गए हैं, जहां जिले में एक्टिव मरीज की संख्या बढ़कर 59 हुई है, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, 3500 प्रमुख स्थानों पर द्वारा कोरोना टेस्टिंग चालू की गई, कोरोना वायरस से संक्रमित 3 साल की बच्ची की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जनपद में कोरोना संक्रमित 24 नए मामले सामने आए हैं, जहां जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 59 हुई है, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, 3500 प्रमुख स्थानों पर द्वारा कोरोना टेस्टिंग चालू की गई, फतेहपुर में वैक्सीनेशन पर प्रशासन हुआ है सख्त, शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों पर अभियान जारी, बारिश के बाद भी छात्रों में वैक्सीनेशन का उत्साह, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विद्यालय में लगाया है वैक्सीनेशन का कैंप, वैक्सीनेशन के लिए प्रधानाचार्य ने की थी अपील, प्रधानाचार्य ने वीडियो बनाकर की अपील, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, हुसैनगंज के जनता इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां फतेहपुर में वैक्सीनेशन पर प्रशासन सख्त हुआ है, शासन प्रशासन के दिशा निर्देश पर अभियान जारी किया गया, जहां बारिश के बाद भी छात्रों में वैक्सीनेशन का उत्साह देखने को मिला, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विद्यालय में लगाया है कैंप, रायबरेली में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हुआ है, एक व्यक्ति की मौके पर हुई है दर्दनाक मौत, परिजन का रो रो कर हुआ है बुरा हाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, नसीराबाद के उसरहा बभनपुर गांव का है ये पूरा मामला, रायबरेली में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक व्यक्ति की मौके पर हुई है दर्दनाक मौत, जहां परिजनों का रो रो कर हुआ है बुरा हाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, नसीराबाद के उसरा बबनपुर गांव का है ये पूरा मामला, रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक हादसा हुआ है, जहां एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है, जिसके चलते परिजनों का रो रो कर हुआ है बुरा हाल, कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।